विश्वकर्मा पूजा पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है और जमशेदपुर का वह बस स्टैंड, पुरुलिया बस स्टैंड, जहां पर हजारों की संख्या में बस आना और जाना शुरुआत किया जाता है। लेकिन स्वर्गीय श्री शंकर दुबे जी, जिनके आज पुत्र इस परंपरा को जरूर बनाते हैं, क्योंकि यह विश्वकर्मा पूजा यहाँ के जितने यात्री, जितने यहाँ के लोडर हैं, यानी जो बस में सामान चढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि टेम्पू वाले, खोंचा वाले सब इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यह विश्वकर्मा पूजा में सभी को भोग खिलाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है, और यह काम निजी हाथों से होता है, किसी चंदा लेकर नहीं होता है, और यह योगदान इन्हीं के माध्यम से होता है। उनके बड़े पुत्र है, सभी पुत्र हमारे साथ हैं, तो हम पहला जानने की कोशिश करते हैं कि पिताजी जब रहते थे और अभी आप लोग क्या क्या इसमें चेंज किए, परिवर्तन किए। देखिए, परिवर्तन तो कुछ नहीं है, पिताजी के समय से जो चलते हुए आ रहा है हम बस उसे फॉलो कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके देखिए बहुत सारी सुविधाएं बस स्टैंड में नहीं है, जिसके चलते हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपने 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 स्तर पे जितना हो सके करते हैं, और हर साल भांति जैसे विश्वकर्मा पूजा होती है हम अच्छा से उत्सव से मनाते हैं, क्योंकि ये ऐसा दिन है, मैंने हम लोग का जो है सब कुछ विश्वकर्मा से है, और जितने हमारे स्टाफ है, लाइक जितने भी है, आज के दिन सब अच्छे से इंजॉय करते हैं कि साल भर तो कमाना है सबको, इधर उधर जाना, कोई धनबाद, कोई दुमका, कोई कहाँ कहाँ जाएगा, लेकिन आज सब एक जगह स्थिर रहते हैं, भोग का आनंद लेते हैं, शाम में सब अपना इंजॉय करते हैं, बस यही है, हर साल ऐसे ही होता है। जब दुबे जी थी तो कितने भीड़ लगता था, अभी क्या उतना भीड़ लगता है? नहीं, डिजिटल ज़माना में जो उनके बनाए हुए परंपरा को उनके बच्चे के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें भीड़ की संख्या पिछले दिनों से और बढ़ते जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे पापा, आज के दिन क्या क्या करते थे? जिस तरह उनका इस विश्वकर्मा पूजा के प्रति और इस बस स्टैंड के प्रति उनका जो अपने तरफ से जो भी व्यवहार था, उसी को हम लोग लेकर के आगे चल रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे चलते रहेंगे। तो पापा के लिए आज कितने ड्राइवर, कितने खलासी आज भी उनको याद करते हैं? देखा जाए तो हजारों के संख्या में ड्राइवर, खलासी, जितने भी गाड़ी के स्टाफ सब हैं, सब उनको याद करते हैं, और मन दुख भी करते हैं कि वो रहते तो जो भी है, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके वो जो जितने भी परंपरा जैसा चालू किए थे, हम लोग उसी को निभाते आ रहे हैं, और उससे और बेहतर हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। तो विगत इतने वर्षों से जो परंपरागत पिताजी के द्वारा इन लोग का जो विश्वकर्मा पूजा प्रारंभ की गई थी, ये बुनियाद से जो चल रहा है, उसमें अभी के समय में ये परिवर्तन हो रहा है कि अभी सभी समिति के सदस्यों का एक ध्यान रहता है कि यात्री जो जहीं जाने के लिए आ रहे हैं, पहले उनको बैठाओ, उनको प्रसाद ग्रहण कराओ, वो यहाँ उनका पानी, उनका भोजन, उनका सब व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ आया हुआ यात्री मुँह में कुछ ग्रहण करके जाए, हाथ में प्रसाद लेके जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी आज का दिन कम से कम पुरुलिया बस स्टैंड और यहाँ के अंतर्गत जो शंकर दुबे स्टैंड से जो भी बस चलते हैं, उनके यात्री आज भरपूर भोग लेंगे, प्रसाद लेंगे और आशीर्वाद दे के जाएंगे कि यह जो इंडस्ट्री है शंकर दुबे कंपनी, इनकी और तुगना तरक्की हो और इनके और बस बढ़े, क्योंकि इनके सेवा से जनता को भी सेवा होता है और उनके आशीर्वाद से यह परिवार और फल फूल रहा है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।